टोकन नहीं मिलने से नाराज किसानों ने तहसील के सामने दूसरी बार लगाया जाम। वितरण केंद्र पर नहीं है पर्याप्त डीएपी खाद। शिवपुरी जिले के पोहरी अनुभाग में डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसान आए दिन जाम की हालत निर्मित कर देते हैं। जहां इसी जमाहा किसान ने टोकन न मिलने के चलते दूसरी बार तहसील कार्यालय पर जाम लगाया है, जिसके चलते दोनों ओर से आवागमन बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर 12 बजे किसानों ने टोकन न मिलने के चलते तहसील कार्यालय के सामने बैराड पोहरी मार्ग पर जाम लगा दिया। जहां किसान हरिचरण ठाकर ने बताया कि वह सुबह 7 बजे से तहसील कार्यालय के बाहर खाद की टोकन लेने के लिए खड़े हुए थे, जहां 12 बजे तक कोई टोकन वाले कर्मचारी नहीं आए और न ही संबंधित अधिकारी आए, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गोदामों तक खाद पहुंचता है लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच पाता, जबकि बाजारों में उच्च दामों पर खाद आसानी से मिल जाता है। वहीं करीब आधा घंटे तक जाम लगा रहता है, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान ने किसानों को समझाइश देकर जाम को हटवाया और आवागमन बहाल किया। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की। क्या नाम भाई साहब? हरिचरण धाकर। जी, जाम लगाया आपने, क्या कारण रहा है? चक्कर में लगा हुआ है। क्या समस्या? कब से परेशान? 5 बजे बांटते हैं मैडम, जाकर 5 बजे हम कहाँ तक भूखे प्यासे बैठ रहे हैं। सुबह 7 बजे से अब 12 बजे, अब आप 12 बजे मारे हैं भूखे बैठे रहे। साढ़े 12 बज गए, 12:30 ब्लॉक में कहाँ जा रहा गाड़ी? ब्लॉक में कहाँ जा रहा, बाजारों में चल रहा। दुकान पे कहाँ से आ रहा? दुकानों पे। और 1900 का कट्टा दे रहे हैं आप? क्या मांगे हैं आपकी? हमें टोकन चाहिए, मांग चाहिए। ऐसी माँ आपने दूसरी बार जाम लगाया है, क्या समस्या है जिसके चलते तहसील के बाहर जाम लगाया? तीन दिन से इकट्ठा का है, खाते का ले रहे, नाम लिख दे, कूपन नहीं दे रहे। कल 5 बजे कूपन मारे जनता पकड़ के बाद में, अब हम तो जनता के साथ सभी से आए और 5 बजे का कैरोबर नहीं। कितने कितने किसान हैं? किसान तो 100-150 है और 200-300 है। 7 बजे से भूखे आएंगे, 5 बजे भग जाएंगे, पर मैडम का हाथ मांगेंगे नहीं जाए। कूपन मांगेंगे, आज टोकन नहीं मिले, टोकन नहीं मिले, नहीं आया, नाम नहीं हुआ। कल आए, मैंने टोकन चाहिए, टोकन दो कर दे रहे।